Greetings of the day learners. Welcome you all in English class. Today I have brought you chapter number 2, The Sound of Music. In previous lecture, we have done its first part. As you know that this chapter is in two part. In first part, we have studied about Evelyn Glennie. And now we are going to know about our own Indian musician, personality, a great personality, Bismillah Khan, Ustad Bismillah Khan, and he was a well-known Shehnai player. So the title of the chapter is part 2. The title is The Shehnai of Bismillah Khan. In this chapter, we are going to know about his early life, his struggle, and how he became a great Indian Shehnai Vadak. Now here on screen you can see some pictures, and they are the famous instrument player of India. You can see the famous tabla vadak is here. Murli vadak, Basuri bajane wale Hari Prasad Chaurasia, Zakir Hussain, Santur vadak, and at last you will see Bismillah Khan, about whom we are going to study in this chapter, Shehnai Vadak Bismillah Khan. Think of the Shehnai, and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. जब भी हम Shehnai के बारे में सोचते हैं, तो हमें basically कोई अच्छा काम, कोई शादी या इस तरह का कोई function याद आता है, क्योंकि Shehnai को as a pious work में, a pious प्लेसेस पे बजाने वाला, कोई मंदिरों में, कोई शादियों में, मांगलिक कार्यों में बजाने वाला एक ये इंस्ट्रूमेंट था. द नेक्स्ट वुड प्रोबेबली बी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. और जैसे ही हम शहनाई के बारे में बात करते हैं, तो नेक्स्ट किसके बारे में हम याद करेंगे? उस्ताद बिस्मिल्ला खान के बारे में. द शहनाई मेस्ट्रो प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट. एम्परर और औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी in the royal residence, for it had a shrill unpleasant sound. तो जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने अपने रॉयल रेजिडेंट में एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जिसका नाम पुंगी था, उसको बजाना उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था. और उसका रीजन था, उसकी जो साउंड थी वो बहुत ही ज्यादा श्रिल थी और अनप्लीजेंट थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर. और पुंगी को कैसे जानने लगे कि बहुत ही ज्यादा शोर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह से उसको जानने लगे. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ ही लोगों ने सोचा था, और फ्यू मतलब कुछ लोगों ने ही नहीं सोचा था, फ्यू मतलब नेगेटिव, टोटल नेगेटिव. शायद ही कुछ लोगों ने सोचा होगा कि इसको रिवाइव करके, इसको चेंज करके कुछ बनाया जा सकता है नया इंस्ट्रूमेंट. अ बाबर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन. जो एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, जो कि बाईकास्ट बाबर थे, जिसको नाई बोलते हैं, बाईकास्ट वो नाई थे और प्रोफेशनल म्यूजिशियन थे, हु हैड असेस्ड द रॉयल पैलेस, जो कि रॉयल पैलेस पहुंचे, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी. और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी, उसकी जो श्रिल वॉइस है, उसको इम्प्रूव करके उसको कुछ इनोवेटिव करेंगे. ही चोज अ पाइप with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उन्होंने उसको चेंज करने के लिए, उसकी वॉइस को चेंज करने के लिए उन्होंने एक पाइप चूज किया जिसके अंदर नेचुरल हॉलो थे स्टेम में, एंड वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी. और वो बहुत चौड़ी थी, जो पुंगी से थोड़ी चौड़ी थी. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. और उन्होंने उस पाइप पे 7 छेद किए. When he played on it, जब उसने उसको बजाया, closing and opening, उन छेद को बंद और खोलते हुए, some of these holes, soft and melodious sound were produced. तो उन छेदों में से, कुछ छेदों में से बहुत ही ज्यादा soft और melodious sound produce ही. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उस नाई ने उस
इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी यानी रॉयल लोगों के सामने, राजा के सामने दरबार में बजाया, और सभी ने इसको बहुत ही ज्यादा, सभी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए, सभी बहुत ज्यादा उससे खुश थे। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, क्योंकि जो ये इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से बहुत ही ज्यादा अलग था। हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम, अब इसे नया नाम भी देना था। एज द स्टोरी गोज, जैसे कि स्टोरी बताती है, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह चैम्बर, क्योंकि सबसे पहले वो कहाँ बजी थी, शाह के चैम्बर में बजी थी, राजा के दरबार में। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, और किसने उसे बजाया था, नाइक ने उसे बजाया था। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इसी वजह से इस इंस्ट्रूमेंट का नाम शहनाई पड़ा। शह राजा के दरबार में बजाई गई और उस नाई ने बजाया, इसलिए शहनाई। और यहां से आपका एक क्वेश्चन भी बनता है। सो यू कैन सी द पिक्चर्स, ओके। पुंगी ये है जो कि बहुत ज्यादा श्रिल नॉइस किया करती थी, और इसको मॉडिफाइड करके एक पाइप में हॉलो स्टेम थे, और इसे शहनाई नाम दिया गया। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, और जो शहनाई की जो आवाज थी उसको बहुत पवित्र माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन द टेम्पल्स एंड इन एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और क्योंकि इसकी आवाज को बहुत ज्यादा पवित्र मानने लगे, इसलिए इसको मंदिरों में बजाया जाने लगा। और इसको कहाँ पे बजाया जाने लगा, शादियों में, जिसके बिगर इंडिस्पेंसिबल, मतलब इसके बगैर शादी की कल्पना ही नहीं की जा सकती, कि जिसके घर में शहनाई नहीं बजेगी उसके घर में शादी ही नहीं मानी जाएगी। नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये स्पेशली कहाँ था, नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में था। इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत फॉर ट्रेडिशनल असेंबल ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट, और जो पास्ट में जो शहनाई थी वो नौबत यानी अ ग्रुप ऑफ नाइन इंस्ट्रूमेंट, उसका जो राजा के दरबार में नौबत बजाया जाता था, यानी नौ इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप होता था, उनको साथ में एक ऑर्केस्ट्रा की तरह बजाया जाता था, और शहनाई उसका एक पार्ट थी। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अब रिसेंटली उसे टेम्पल्स के लिए और केवल वेडिंग्स में ही बजाया जाता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्ला खां, क्योंकि इसको केवल कहाँ बजाया जाता था, इसको मंदिरों में और शादियों में, लेकिन एज अ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट इसको इंट्रोड्यूस कराने का जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव इन बिहार। जब वो 5 साल के थे तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह केवल गुल्ली डंडा ही खेलते थे दुमराव के किसी पॉन्ड के पास। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg, 1.25 किलो का उन्हें एक लड्डू मिला करता था प्रसाद में। उसका रीजन ये था कि वो खेलते थे नॉर्मल बच्चों की तरह, लेकिन वो उसके बाद एक चैता एक फोक आर्ट है बिहार की, जैसे कि हमारे यहाँ पे राजस्थान में देखा जाए तो फिर आपका घूमर हो गया डांसिंग में, और राग में रागिनियों में अलग से देखा जाएगा, और हर स्टेट की एक अलग अलग क्या होती है, हर स्टेट की अलग अलग सिंगिंग स्टाइल होती है। तो यहाँ पर जो बिहार की स्टाइल है वो चैता है, उसको गाने के लिए वो मंदिर में जाया करते थे, और पंडित उनको खुश होकर क्या दे दिया करता था, 1.25 किलो का लड्डू प्रसाद में जो चढ़ता था वो उनको दे दिया करता था। प्राइस गिवन बाय द लोकल महाराज, और वो जो जो लोकल महाराज हुआ करते थे वो उसको देते थे। दिस हैपन्ड 80 ईयर्स अगो, एंड द लिटिल बॉय ही ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ये 80 ईयर्स पहले की बात है, 80 ईयर्स पहले की बात है, जब वो केवल एक गाना गाया करते थे, केवल एक लड्डू उनको मिल जाए इसलिए। लेकिन उसके बाद शायद उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की, मतलब उनकी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी रही, जिसमें कि उन्होंने इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, और कौन सा है वो, है भारत रत्न। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, बिस्मिल्ला बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्ला खान का जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ, और वो पहले से ही एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, जो कि अपनी म्यूजिक के लिए जानी जाती थी,
और ये बिलोंग करते थे बिहार से. हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट. और वो भोजपुर किंग्स कोर्ट में, जो भोजपुर के राजा का जो दरबार था, वहां पर वो शहनाई नवाज थे, यानी वो वहां पे शहनाई बजाते थे. और उनका नाम था रसूल बख्श खान. हिज फादर पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल मतलब जो पिता के खानदान से संबंध रखते हैं, पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर. और उनके पिता के खानदान से संबंध रखने वाले उनके जो पूर्वज थे वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट शहनाई वादक थे, प्लेयर थे. द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ. और जो ये लड़का था, हम यहाँ किस लड़के की बात कर रहे हैं, हम यहाँ उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बात कर रहे हैं, उनके चाइल्डहुड की बात कर रहे हैं. और उन्होंने इस कला को बचपन में ही ले लिया था. एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस. जब 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें अपने मैटरनल अंकल्स यानी उनके मामा जी के घर लेके गई बनारस में, नाउ वाराणसी, और बनारस को अब हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, बिस्मिल्ला वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई. और वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड होते थे जब उनके अंकल शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे. सून बिस्मिल्ला स्टार्टेड अकंपनी हिज अंकल. और उन्होंने बहुत जल्दी अपने अंकल को कंपनी देना शुरू कर दी, उनके साथ बैठना शुरू कर दिया. अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बक्स वॉज प्लेड एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई. और जो उनके अंकल थे अली बख्श, वहां पे विष्णु टेम्पल था बनारस में, वो वहां पे एम्प्लॉय थे, मतलब उनके उनका काम था उस विष्णु मंदिर में शहनाई बजाना, पूजा के टाइम पे शहनाई बजाना. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट वेटेड. और जब वो उनके मामा जी शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्ला खान वो कैप्टिवेटेड होके यानी मंत्रमुग्ध होके, जैसे कि उनको किसी ने चीज ने बांध रखा है, ऐसे वो बैठ जाते थे फॉर आवर्स एंड एंड, और कई घंटों तक वो बैठे रहते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और बहुत ही जल्दी उन्होंने इसके लेसन्स लेना स्टार्ट कर दिया. इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और पूरे पूरे दिन शहनाई की क्या करते रहते, प्रैक्टिस करते रहते थे. फॉर ईयर्स टू बिकेम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक ऑफ द गंगा. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी, कई सालों तक वो बालाजी के मंदिर में, मंगला मैया के मंदिर में एंड द बैंक ऑफ गंगा, गंगा के किनारे बैठ के बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और वो बहुत ही ज्यादा अप्रेंटिस, मतलब एक नया जो प्रैक्टिस करने वाला, नया नौसिखिया जिसको बोलते हैं, वो सबका फेवरेट बन गया था. उसको सभी लोग चाहते थे कि वो आके वहां पे शहनाई बजाए. सॉरी, ही वुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. और वो सॉलिट्यूड एकांत में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे. ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड. द flowing waters of Ganga inspire him to improve in invent ragas that were earlier considered to be beyond the rags of the shehnai. अब वो गंगा के किनारे बैठ के सॉलिट्यूड में शांति से प्रैक्टिस करने खोज किया करते थे, जहां पे कि वो गंगा उनको इंस्पायर करती थी कि वो नए राग बनाए शहनाई से, जो कि पहले ऐसे माना जाता था कि शहनाई से वो राग नहीं बजाए जा सकते. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में Bismillah ने अपने अंकल के साथ Allahabad Music Conference attend की. At the end of his recital, Ustad Fayaz Khan patted the young boy's back and said, जो उस्ताद फयाज थे उन्होंने उस यंग बॉय की यानी उस्ताद बिस्मिल्ला खान की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. तुम बहुत मेहनत करना क्योंकि तुम बहुत आगे जाने वाले हो, तुम कुछ ना कुछ करने वाले हो. विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक. और बिस्मिल्ला खान का वो बहुत बड़ा ब्रेक, उनके लिए सबसे बड़ा चांस था, बड़ा मौका वो तब मिला जब 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो खुला. He soon became an often heard shehnai player on radio. और वो वहां पे उनकी शहनाई रेडियो पे बहुत ज्यादा सुनी जाने लगी.
वहां बहुत ज्यादा उनको उनके प्रोग्राम्स आते थे ऑल इंडिया रेडियो पे. व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, यहाँ पे नोट करने वाली बात है, बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. जो बिस्मिल्ला खान थे वो फर्स्ट थे जिन्होंने अपनी शहनाई से आजादी को के लिए लोगों को मुबारकबाद दी, यानी अपनी शहनाई बजाकर उन्होंने उस ऑस्पिशियस डे को सबको कॉन्ग्रेचुलेट किया. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन टू द रॉक कॉफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. और उनकी जो ऑडियंस थी उसमें कौन कौन थे, उसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोग वहां ऐसे लोग बैठे हुए थे जहां पे कि जहां से उन्होंने उस राग को बजाया, उनकी ऑडियंस में इतने इतने बड़े लोग बैठे हुए थे जिन्होंने कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो बाद में जो एक स्पीच दी थी ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच. बिस्मिल्ला खान वॉज गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेज बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. और बिस्मिल्ला खान ने दोनों जगह कहाँ पे विदेश में भी और देश में भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज दी हैं. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट एंड अदर सोविनियर्स. जब पहली जो उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी वो कहाँ पे थी, अफगानिस्तान के राजा के यहाँ थी. जाहिर शाह वॉज सो टेकन बाय द मेस्ट्रो, मेस्ट्रो मीन्स उस्ताद, और उन्होंने इस उस्ताद की कला से वो इतने ज्यादा इंप्रेस हुए थे कि उन्होंने उनको एक प्राइसलेस बहुत ही ज्यादा अमूल्य कारपेट गिफ्ट दिया था जो पर्शियन कारपेट था, और बहुत सारी यादगार चीजें दी थी उन्होंने, है ना. सोविनियर्स मीन्स थिंग्स गिवन इन द मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्ला खान म्यूजिक. वो अकेले नहीं थे जो कि बिस्मिल्ला खान की म्यूजिक से फैसिनेटेड थे, मंत्रमुग्ध थे. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला खान प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. विजय भट्ट जो थे वो उस बिस्मिल्ला खान के एक शो को सुनने के बाद, एक परफॉर्मेंस को सुनने के बाद इतने ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही क्या रख दिया था, गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्न्ड आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्टबस्टर. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्युलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्ला खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर्ड लिमिटेड टू टू, विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवासन कनाडा वेंचर शनादि अपाना. फिल्म थी बहुत हिट हुई थी. बिस्मिल्ला खान की जो कंपोजिशन थी दिल का खिलौना है टूट गया वो एक चार्टबस्टर हिट प्रूफ हुआ. लेकिन अपनी दो फिल्म जो उन्होंने जिनमें म्यूजिक दिया था, एक थी उनकी विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और जो दूसरी थी वो थी विक्रम श्रीनिवासन की कनाडा वेंचर, जहां उनका कनाडा था, सनादि अपाना. लेकिन इतनी सक्सेस के बाद भी वो इस दुनिया से, इस जो फिल्म की दुनिया से बहुत दूर रहे, क्योंकि फिल्म मॉडिफाइड था लेकिन वो चाहते थे कि वो अपनी जो ट्रेडिशनल आर्ट है शहनाई की उसको कायम रहे. आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म विद आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, ही सेज विद एम्फेसिस. क्योंकि उनका मानना ये था कि जो फिल्म्स हैं, फिल्म म्यूजिक है, उसमें कुछ आर्टिफिशियलिटी होती है, वो प्योर नहीं होता, उसमें कुछ एडिटिंग की जाती है, उसमें कुछ ट्यूनिंग की जाती है. तो वो क्या चाहते थे कि वो एकदम म्यूजिक, प्योर म्यूजिक चाहते थे. इसीलिए वो वहाँ उस ग्लैमर वर्ल्ड में और उस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में उनको अच्छा ही नहीं लगा.
अवार्ड्स एंड रिकग्निशन केम थिक एंड फास्ट. जो अवार्ड्स थे, पहचान थी, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई थी, वो उनके पीछे पीछे बहुत ज़्यादा आ रही थी, यानी वो बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज हो रहे थे, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल रहे थे. बिस्मिल्ला खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू प्लेटफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. बिस्मिल्ला खान फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि इनवाइट किया गया था प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में परफॉर्म करने के लिए. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर. और उन्होंने कहां कहां अलग अलग इवेंट्स में भी पार्ट लिया. उन्होंने पार्ट लिया वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मेंस्ट्रील में, इन द कान फेस्टिवल में जो होते हैं, कान्स आर्ट फेस्टिवल में, एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर में. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. और वो इंटरनेशनली इतने रेनाउंड हो गए थे, उनको इतना जाना जाने लगा था कि तेहरान में उनके नाम का एक ऑडिटोरियम बना दिया गया था जिसका नाम था तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम. और उनको नेशनल अवार्ड्स थे, जैसे कि पद्मश्री हुआ, पद्म विभूषण हुआ और पद्म भूषण हुआ, वो भी उनसे भी उनको सम्मानित किया गया. कन्फर्ड ऑन हिम मीन्स उनसे उनको सम्मानित किया गया. इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड. And we know which is the highest civilian award, that is Bharat Ratna. और 2001 में उनको भारत रत्न से awarded किया गया, उनको सम्मानित किया गया. With the coveted award resting on his chest and his eye glinting with rare happiness, he said. जब उनके chest पे वो award रखा गया, उनको दिया गया, पहनाया गया, और उनकी जो आईज थी उनमें एक चमक थी, खुशी थी, हैप्पीनेस सेड. और उन्होंने क्या बोला था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. और उन्होंने क्या बोला था, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि भारत की सबसे ज्यादा जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, वो म्यूजिक ही है. इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न म्यूजिक. और अब तो वेस्ट भी हमारे इंडियन म्यूजिक को सीखने आ रहा है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, हम उन्हें प्यार से खान साहब भी बोलते हैं, उन्हें बुलाया जाता था, एज ही इज प्रोफाउंडली कॉल्ड इज एक्सीडिंगली, जिसको कि उनको प्यार से उनको खान साहब बुलाया जाता था, वो पूरी दुनिया घूमे, फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव. लेकिन वो पर्सनली किन दो चीज जगह के बहुत ज्यादा पसंद करने वाले थे, वो पसंद करने वाले थे दुमराव के और बनारस के. यू हैव टू लर्न दिस ऑल्सो, वो पसंद करते थे दुमराव को और बनारस को. वो चाहे दुनिया में कहीं भी रहे, लेकिन वो हमेशा दुमराव में होने के लिए और बनारस में होने के लिए विश करते थे. एंड द रिमेन फॉर हिम द वर्ल्ड्स मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड. और वो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छे टाउन थे, जो कि वर्ल्ड दुनिया के सबसे अच्छे टाउन वही है, बनारस और दुमराव. स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हैड अ शहनाई स्कूल इन यूएसए. एक उनका स्टूडेंट था जो कि क्या चाहता था कि वो यूएस में आके एक शहनाई स्कूल खोले. एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोस्फियर ऑफ बनारस एंड रेप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर. इवन वो क्या क्या तैयार हो गया था, वो ये तैयार हो गया था कि वो यूएस में बिल्कुल इतना पैसा लगाएगा कि वो रिक्रिएट करेगा. क्या रिक्रिएट करेगा, बनारस का एटमोस्फियर रिक्रिएट करेगा और वहां के टेम्पल्स का रेप्लिका लेके आएगा, यानी वहां पे जो टेम्पल्स हैं उनको बना देगा. बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल. क्या वो रिवर गंगा भी वहां पे लेके आ पाएगा, मीन्स उनके लिए रिवर गंगा की बहुत इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि रिवर के किनारे ही बैठ के उन्होंने बहुत सारे रागों को बनाया था. लेटर ही इज रिमाइंडेड टू हैव सेड दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप
यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। और यही रीजन है कि जब भी मैं कहीं विदेश में होता हूँ, मैं अपने देश होने की इच्छा करता हूँ, यानी ये देश में होने की इच्छा करता हूँ। किसकी वजह से मैं इच्छा करता हूँ? गंगा की वजह से, कि मुझे गंगा मिले। मैं गंगा को बहुत मिस करता हूँ, अपने देश को बहुत मिस करता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक माता ऑफ डुमराव। उस्ताद बिस्मिल्ला खान ऐसा कहते थे, जब वो विदेश में होते थे तो वो इंडिया को बहुत मिस करते थे। जब वो इंडिया में होते थे, यानी जब वो मुंबई में हुआ करते थे, तो वो केवल बनारस के बारे में सोचा करते थे, उनके लिए बनारस को मिस किया करते थे, एंड द होली गंगा, और होली गंगा को मिस किया करते थे। और जब वो बनारस में हुआ करते थे तो वो मिस करते थे अपने डुमराव को, उनके बर्थ प्लेस को। उस्ताद बिस्मिल्ला खान्स लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्ला खान की जो लाइफ है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने थ्रू आउट लाइफ अपने इंडिया के रिच कल्चर को कैसे बचा के रखा, उसको कैसे डेवलप किया। एंड दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवाउट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। और ये भी बहुत एक अलग ही बात है, एक डाइवर्सिटी वाली बात है, कि एक बहुत ही डिवाउट स्ट्रांगली रिलीजियन जो मुस्लिम थे, यानी अपने धर्म को मानने वाले, स्ट्रांगली अपने धर्म का पालन करने वाले जो मुस्लिम थे, वो हर सुबह जाके काशी विश्वनाथ टेम्पल में, वहां जाके वो शहनाई बजाया करते थे। और उस्ताद बिस्मिल्ला खान जो थे, उनकी डेथ हो गई थी 21 अगस्त 2006 में, एट द एज ऑफ 90, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस। बहुत लंबी बीमारी के बाद उनकी डेथ हो गई थी। ही वॉज गिवन अ स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे ऑफ नेशनल माउनिंग। और जब उनका देहांत हुआ था, तब वो एज अब जैसे कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि उनको भारत रत्न से अवार्ड किया गया था, और जितने भी लोग हैं जो हाईएस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड से अवार्डेड हैं, जब भी उनका निधन होता है तब पूरे देश में शोक होता है, एक दिन का शोक की घोषणा की जाती है, क्योंकि हमने भारत का एक रत्न खोया होता है। तो जब इनकी डेथ हुई थी तब इंडिया ने भी एक दिन का शोक जो डे था वो डिक्लेयर किया, माउनिंग डे था उसको डिक्लेयर किया। आई होप दैट द वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन वुड हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर क्लियरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एनसीईआरटी ऑन योर टिप्स। इफ यू वॉन्ट इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू, विल मीट सून।